सबसे गलत चीज हो जाती है। बिगड़ने का रीजन था इसका, इसको शुरू में ओवर पैम्पर किया, ज़्यादा लाड किया, जब इसे फिर खोल के रखना शुरू किया, खुला रहने दिया, या आहिस्ता आहिस्ता करके इसने चीज़ें घर की डिस्ट्रॉय करनी शुरू कर दी, कभी जूते चबा दिए, कभी फर्नीचर चबा दिया, कभी सोफा फाड़ दिया, कभी पर्दे फाड़ दिए। तो जो ऑनर है उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इस बच्चे को अब खुला नहीं रखेंगे, उन्होंने इसे बांध के रखना शुरू कर दिया। बांध के रखने से ये भाई साहब और बिगड़ गए और इसकी डे बाय डे आते जो है वो और ख़राब होती गई। फिर कई बारी हुआ ऐसे छत पे छोड़ दिया गया, जो छत पे छोड़ना है वो आइसोलेट करने वाली बात होती है और आइसोलेट नहीं करना चाहिए डॉग को कभी भी। हमेशा डॉग को सोशलाइज करना चाहिए, उसको मिक्स करना चाहिए। अगर इन्हें प्रॉपर गाइडलाइंस मिली होती तब, जब इनके इस पेट की प्रॉब्लम आई थी, तो ये बच्चा जो है आज इसका टेम्परमेंट और इसकी लाइफ कुछ और होती, इसके बहुत सारे और दोस्त होते। हेलो एवरीवन, आई एम योर फ्रेंड योर होस्ट पारुल भंडारी एंड आई वेलकम यू टू फेवरेट यूट्यूब चैनल दैट इज डॉग्स योर फ्रेंड्स फॉरएवर। डियर फ्रेंड्स, आज मेरे साथ में एक लैब्राडोर है और ये भाई साहब जो हैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के हैं। और इस ये जो बच्चा है इसकी एक बात है कि ये डिस्टर्ब टेम्परमेंट का है, बहुत डिस्टर्ब टेम्परमेंट का है। डिस्टर्ब टेम्परमेंट, वेरी हाई एनर्जी डॉग, किसी को भी देखना, उस पर अग्रेशन दिखाना, उसके साथ में जंप करने की कोशिश करना, और अगर ऑनर हटा भी रहा है तो भी नहीं हटना, ऐसी सी आवाज़ें निकालते रहना। मतलब अभी से 10-15 मिनट पहले जब ये मेरे पास में आया था तो आई वॉज वेरी मच डाउटफुल कि वेदर शुड आई टच हिम और नॉट, क्योंकि ये मेरे को अग्रेशन दिखा रहा था कि मुझे अटैक कर देगा। बट फिर मुझे लगा कि इसके साथ में ये मैंने बेल्ट लगाई है। बेल्ट इसलिए लगाई है क्योंकि इस बेल्ट के साथ में टेम्परमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं, डॉग को कंट्रोल में कर सकते हैं। ऑफकोर्स इट इज़ नॉट अ चोक चेन, बट ये डॉग को शो में यूज़ करते हैं उसको कंट्रोल में रखने के लिए, ताकि वो ज़्यादा खींचे नहीं, जंप नहीं करें या कुछ भी। ये जो बच्चा है इसका बिगड़ने के, ये जो बिगड़ा है उसका रीज़न ये है कि जो इसके ऑनर हैं वो फर्स्ट टाइम ऑनर थे और उन्होंने इसे ज़्यादा लाड प्यार से रखा। ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार जो है वो भी गलत है। फीकी चाय पीना इतना अच्छा नहीं लगता, इतना कम्फर्टेबल नहीं लगता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मीठा होगा तो डेफिनेटली आप बिल्कुल भी चाय नहीं पी सकेंगे। दैट मीन्स हर चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इस बच्चे की मैं बात करूँ तो ये, इसके ईयर्स की अगर आप बात करेंगे तो ये लैब्राडोर के पॉइंट्स भी क्लियर करता हूँ जी आपको। इसके जो ईयर हैं वो प्रॉपर पोजीशन पे नहीं है, थोड़े से पीछे हैं और ईयर थोड़े छोटे भी हैं। उसका रीज़न है कि ऑफकोर्स जीन्स या लाइंस वगैरह ऑफकोर्स वो मैटर करती हैं, बट ये बहुत प्यारा और अच्छा बच्चा है। प्यारा तो है ही है, पेट है तो प्यारा है, लेकिन इसके जो टेम्परमेंट है वो बार बार इसकी पीठ के बाल खड़े हो जा रहे हैं। आप उस चीज़ से जज कर सकते हैं कि जब बार बार पीठ के बाल खड़े हो रहे हैं, दैट इज़ क्लियर कट साइन ऑफ अग्रेशन। अगर आपके डॉग के पीठ के बाल खड़े हो रहे हैं तो इस चीज़ को समझिए, और वो टेल को ऊपर उठा रहा है तो इस चीज़ को समझिए कि वो बार बार अपने अग्रेशन दिखा रहा है, राइट? और ये सबसे गलत चीज़ हो जाती है। बिगड़ने का रीज़न था इसका, इसको शुरू में ओवर पैम्पर किया, ज़्यादा लाड किया, जब इसे फिर खोल के रखना शुरू किया, खुला रहने दिया, या आहिस्ता आहिस्ता करके इसने चीज़ें घर की डिस्ट्रॉय करनी शुरू कर दी, कभी जूते चबा दिए, कभी फर्नीचर चबा दिया, कभी सोफा फाड़ दिया, कभी पर्दे फाड़ दिए। तो जो ऑनर है उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इस बच्चे को अब खुला नहीं रखेंगे, उन्होंने इसे बांध के रखना शुरू कर दिया। बांध के रखने से ये भाई साहब और बिगड़ गए और इसकी डे बाय डे आते जो है वो और ख़राब होती गई। फिर कई बारी हुआ ऐसे छत पे छोड़ दिया गया, जो छत पे छोड़ना है वो आइसोलेट करने वाली बात होती है और आइसोलेट नहीं करना चाहिए डॉग को कभी भी। हमेशा डॉग को सोशलाइज करना चाहिए, उसको मिक्स करना चाहिए। अगर इन्हें प्रॉपर गाइडलाइंस मिली होती तब, जब इनके इस पेट की प्रॉब्लम आई थी, तो ये बच्चा जो है आज इसका टेम्परमेंट और इसकी लाइफ कुछ और होती, इसके बहुत सारे और दोस्त होते। देखिए इस बेल्ट को यूज़ करते हैं, इसके बहुत सारे और दोस्त होते, बहुत सारे लोगों से ये प्यार लेता, फ्रेंड सर्कल से और प्यार लेता, इसके पेट्स भी फ्रेंड होते। रीज़न ये, जितने लोग इसे टच करते ये उतना ही ज़्यादा सोशलाइज होता। लेकिन अभी जब ये अपनी तरफ से वो शायद वो प्यार दिखाता है, शायद वो अग्रेशन दिखाता है, बट यू कॉन्ट टेक रिस्क फॉर दैट, बिकॉज वो आपको देख के बार्क कर रहा है, स्ट्रांगली बार्क कर रहा है और वो जंप करने की कोशिश कर रहा है। फॉर श्योर टेल से स्क्रैचेस पड़ना तो लाजमी है। छत पे छोड़ के रखना डॉग को सोल्यूशन नहीं है। डॉग को सोशलाइज करवाना, उसको फ्रेंड सर्कल से मिलवाना, ओके,
इम्पॉर्टेंट है, अगर ये जब बच्चा 6 महीने का था ये मेरे पास में तब आए होते तो डेफिनेटली इस बच्चे का जो टेम्परमेंट है वो कुछ और होता, ऐसी सी एग्रेशन नहीं होती, ऐसी सी एनजाइटी नहीं होती, टिक के बैठता, थोड़ा ठहराव होता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो हमारी ग्रूमिंग है, जो इसका बचपन है ना हमारे पेट का, वो उसकी पूरी की पूरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बेस बना दिया, जो उसकी ग्रूमिंग कर दी, जो माहौल उसको दे दिया, उसी बेस पे उसका फ्यूचर टिका हुआ है। अगर ह्यूमन बेबीज़ की बात करते हैं, इंसान का बच्चा भी बिगड़ा हो सकता है, वो कैसी भी डिपेंड करता है। कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गलती से क्राइम में पड़ जाते हैं, कोई चोरी करने लग जाता है, कोई कुछ, लेकिन अगर उनको अच्छी ग्रूमिंग मिल जाए, उनको अच्छा माहौल मिल जाए, उनको अच्छा ट्रैक मिल जाए, उनको समझाने वाला मिल जाए, तो वो बच्चे IAS IPS भी बन सकते हैं, वो डॉक्टर भी बन सकते हैं, हमारे देश का फ्यूचर हैं जो बच्चे हैं। उसी तरह से ये जो बच्चे हैं, ये हमारी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इनको पैम्पर करना चाहिए, इनको लाड करना चाहिए, इनको समझाना चाहिए। अगर किसी चीज़ के लिए आपने नोटिस किया है कि ये किसी चीज़ को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उस वहाँ पे जगह पे ले जाके इसे दिखाइए, इसको बोलिए गलत किया तूने, इसको वहाँ पे दिखाना गलत किया, न्यूज़पेपर को फोल्ड कीजिए, फर्श पे मारिए ज़ोर से, मान लीजिए ये फेस है, ये दिखाया और इसको फर्श पे मारा न्यूज़पेपर को, उससे क्या होगा, इसको ये समझ में आएगा न्यूज़पेपर की आवाज़ बड़ी ज़ोर से आई फर्श पे लगने पे, अगर मुझे लगेगा तो हड्डी वड्डी टूट जाएगी। डांटना बड़ा ज़रूरी है, हेड से पकड़ के दिखाइए क्या किया तूने, उस वजह से दिखाइए क्यों किया तूने, तेरी पिटाई हो जाएगी। उसको साइकोलॉजिकली हमने हैंडल करना है, उसको हम बांध के रखेंगे, हम छोड़ेंगे कभी तो छोड़ेंगे, जब छोड़ेंगे वो जाके फिर से डैमेज करेगा, वो फिर डिस्ट्रॉय करेगा, वो नहीं चाहिए। उसको सोशलाइज कराइए, उसको बिहेवियर सिखाइए। अगर आपसे नहीं मैनेज हो रहा तो आप किसी से अच्छे से प्रोफेशनल से कंसल्टेंसी से कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छे से गाइड करे कि बच्चे को टेम्परमेंट कैसे ठीक करना है। उसके लिए आप डॉग ट्रेनर भी हायर कर सकते हैं। डॉग ट्रेनर अगर हो तो आपके सामने ट्रेनर सिखाए, ये नहीं हो कि ट्रेनर आपको बोल रहा है आप बाहर चले जाइए, हम इससे सिखाएंगे, मैं डॉग को लेके बाहर जा रहा हूँ। तो उसके लिए बहुत बारी होता है ट्रेनर मार के सिखाता है, मार के सिखाना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप सामने, छोटे भाई आप सामने आ जाइए प्लीज। सो अब आप देखिए इसको, अब आप इसे देखिए, ही इज़ वेरी एक्साइटेड। अपने ऑनर के साथ तो बहुत प्यार करता है, बाकियों के साथ भी प्यार करता है, लेकिन जो इसका प्यार करने का तरीका है वो बहुत गलत है, जो एक्साइटमेंट है, जो एनजाइटी है वो बहुत गलत है। और उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, डिसिप्लिन लाके। डिसिप्लिन कैसे लाएंगे, सोशलाइज करके। सोशलाइज करने के लिए टिप्स लेना बहुत ज़रूरी है। कोई चीज़ अगर इसने डैमेज कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी, मान लीजिए मोबाइल है, उसको बेचारे को नहीं पता कि उसने आपका सोफ़ा फाड़ दिया वो कितना महंगा था, जूते चबा दिए वो कितने महंगे थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो ये, उसको ये बताना कि तूने ये गलत कर दिया, डैमेज कर दिया, पिटाई होगी तूने ये किया। तो जब हम इसे प्यार कर रहे हो, गुड बॉय इस तरह से प्यार कर रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बोलेंगे ओ मेरा बच्चा तूने ये क्यों तोड़ दिया, तो डेफिनेटली डॉग बोलेगा ये तो तोड़ने के लिए था, आपको क्या पता। जब हमें डॉग को कुछ सिखाना है, इट शुड बी इन कमांडिंग वे। जैसे अभी ये नहीं समझ रहा तो मुझे इसे थोड़ा प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। नो, बिहेव प्रॉपरली, नो। और एक और पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, जो लोग सोचते हैं कि इस तरह की बेल्ट डालने से गला चोक हो जाएगा, तो गला यहाँ से चोक होता है, यहाँ से चोक नहीं होता। हमने इसको इस जगह पे डाली है बेल्ट, सो दैट उसका जो एंजाइटी है, जो भागना इधर उधर भागने की बात है, वो थोड़ी रुक सके। आप इस तरह की बेल्ट अगर आप यूज़ करते हैं, दिस इज़ शो लीश, अगर आप इस तरह, ये लैदर की है, अलग अलग आती है, कपड़े की भी आती है, नायलॉन वगैरह की भी आती होगी, अगर आप इस तरह की बेल्ट यूज़ करते हैं अपने डॉग को घुमाने के लिए, तो आप मेरा यकीन मानिए, अगर बच्चा 1.5 साल का है और उसको आप मैनर सिखाना चाहते हैं तो मैनर सीख जाएगा, आपको 10 दिन में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जब वो बात मानता है आपकी, तो आप उसे रिवॉर्ड ज़रूर दें। उसको बांध के मत रखिए। उसको घर में अगर आप खुला छोड़ रहे हैं तो तब अपने सामने खुला छोड़िए जब आप फ्री हैं, ताकि अगर वो किसी चीज़ को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है आप एकदम से नो की कमांड दे सके। इसके लिए बिटर स्प्रे भी आता है, हम अपनी कुछ आइटम्स पे छिड़क सकते हैं, जिसको अक्सर ये चाटते हैं, अचीव करने की या डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, उस चीज़ को समझिए। बांध के रखना सोल्यूशन नहीं है, छत पर छोड़ के रखना, हमने खुला रखा है पर वो छत पर रहता है, वो खुला नहीं है, वो आइसोलेट कर रहे हैं, हम टेम्परमेंट को कई गुना मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिगाड़ने के लिए, क्योंकि जब भी वो छत से नीचे आएगा उसको जो जो मिलेगा वो हर एक चीज़ को चबाने की कोशिश करेगा, अपनी एनर्जी कहीं यूटिलाइज करने की कोशिश करेगा। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें डॉग को टाइम देना है, हमें डॉग को केयर करना है, सिर्फ इसलिए कि हम पेट को प्यार करते हैं हमने इसलिए पेट रखा हुआ है, ऐसा नहीं। अगर हमारे पास टाइम है तो पेट रखना है, अगर टाइम नहीं है
तो पेट नहीं रखना। हमें कोई हक नहीं है कि हम इनकी लाइफ को स्पॉइल करें और इनके साथ में अपनी लाइफ को भी स्पॉइल करें। टेम्परमेंट शुरू से बनाना है, इम्पॉर्टेंट है, केयर करना। बाद में हम किसी को कल्पेटर आ दे, होता क्या है समझिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक अभी माइंड में आई, जब डॉग कुछ शरारत करता है, वो बदतमीजी करता है, उसको पता नहीं है कि वो बदतमीजी कर रहा है, अपनी तरफ से वो खेल रहा है, राइट। उसको तो पता नहीं है कि एक वो लकड़ी का पीस चबा रहा है, कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल चबा रहा है जो वेस्ट मटेरियल है, स्क्रैप है, या वो एप्पल का लाख सवा लाख डेढ़ लाख रुपए का फ़ोन चबा रहा है। उसके लिए इट इज़ जस्ट अ टॉय, च्यू करने के लिए, हार्ड चीज़ मिल गई और वो चबा रहा है। जब हमने बच्चे को कोई चीज़ देनी है तो वो उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारी पॉकेट के हिसाब से होनी चाहिए। हम उसके उसे खाने के लिए दें, टाइम टू टाइम दें, बच्चे को बांध के रखते हैं। बच्चे को छत पे रखना, उसका रिजल्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, बच्चे की लाइफ स्पॉइल हो जाती है। कैसे स्पॉइल होती है? उसके फ्रेंड्स नहीं बनेंगे, कोई उसके पास नहीं आना चाहेगा, ये किसी के पास जा नहीं सकता, हम इसे किसी और के पास लेके जाना नहीं चाहेंगे। रीज़न, हमारा डॉग एग्रेसिव है। हमने कहीं जाना है, किसी फ्रेंड को नहीं बोल के जा सकते कि भाई इसे खाना पीछे से दे देना, बिकॉज यू नेवर नो आपका डॉग किसको स्नैच कर दे, किसको अटैक कर दे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेट के साथ में आती है, क्योंकि हमारा सोशल सर्कल है, हम तो बाहर जाएंगे, फ्रेंड्स भी मिल जाएंगे, दोस्त हैं, मूवी देखने जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, गपशप कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, लेकिन पेट का कौन है? पेट के तो ले देखे हम ही हैं। और जब हम उसे बाहर लेके जाएंगे तो भी वो लिमिटेशंस ही रहेंगी कि यार इससे मिलने देना और इससे नहीं मिलने देना। बच्चे को अच्छे से सोशलाइज कीजिए ताकि उसकी लाइफ स्पॉइल ना हो। अगर बचपन से उसको अच्छा बिहेवियर मिल गया, अच्छा गाइडलाइंस, अच्छी ग्रूमिंग मिल गई, तो सारी ज़िंदगी वो दोस्त बनाएगा। जब वो घूमने जाएगा तो भी लोग आवाज़ देंगे, कमन बडी आओ मिलें, कमन जैक आओ मिलें, प्यार करेंगे, सर पे हाथ फेरेंगे। लेकिन जो डॉग अग्रेसिव हो गया, टेम्परमेंट बिगड़ गया, वो सारी ज़िंदगी के लिए बेचारा आइसोलेटेड और अकेला रहने के लिए मजबूर हो जाता है। और उसका उसके लिए बहुत हद तक उसका ऑनर ज़िम्मेदार है, उसके लिए बहुत हद तक उसका ऑनर ज़िम्मेदार है। डॉग को हम कल्पित ठहरा देते हैं कि भाई डॉग ऐसा है, डॉग को बनाया किसने? मैंने बनाया, आपने बनाया, हमने बनाया। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जब आप पेट रखें तो उसको बहुत अच्छे से केयर कीजिए। सिर्फ प्यार देना, केयर करना नहीं है। आई होप ये जो वीडियो बनाया, ये जो मैसेज आपके साथ शेयर किया, ये आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने पेट को बहुत अच्छे से रखिए, बहुत प्यार दीजिए, बहुत केयर कीजिए, टाइम ज़रूर दीजिए उसके साथ में। जब आप टाइम देने का मतलब है, ये नहीं कि हम रूम में हैं, पाँव से बॉल को किक कर रहे हैं और डॉग बेचारा उठा के ला रहा है और ध्यान हमारा फ़ोन पे, हम किसी से अपनी गपशप कर रहे हैं, फ़ोन पे बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं, जॉब डिस्कस कर रहे हैं। ऑफकोर्स नॉट। इफ़ यू आर गिविंग 10 मिनट्स टू योर पेट, जस्ट गिव हिम 10 मिनट्स, पूरा दिल से दीजिए 10 मिनट्स, तभी आप समझ पाएंगे आपके बच्चे के साथ क्या उसको खेलना पसंद है, क्या उसे खाना पसंद है, उसका बिहेवियर क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन ऑन कीजिए, ताकि आप किसी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच। साई दया करेंगे मुझ पर, आप पे, हमारे पेट्स पे। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच। Your friends forever.